इस लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 जो कि है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं और जिसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है तो रैंक, इसकी रैंक 2 है। क्यों है वो हम देखते हैं। ठीक है, रैंक हमेशा से दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए रैंक को, वो क्या है, वो ये है, इनको समझना जानना काफी जरूरी है। ओके, पहली चीज क्या है, वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर एक एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो है और कितने ऑर्डर का है, आर ऑर्डर का है। अगर यहाँ पर रैंक 2 है तो ये जो 2 इसका माइनर 2, ये जो फुल में ही होगा तो 4 माइनस 6 माइनस 2 तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर रैंक 3 है, ठीक है, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 2 है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, उसकी रैंक 2 है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसकी रैंक 2 है तो इसके अंदर इसका एक माइनर ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है कि जितनी रैंक होगी मतलब सबसे छोटा माइनर उतने ही ऑर्डर का नॉन जीरो है, ये समझनी है बात की। एटलीस्ट वन ऑफ वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर कोई मैट्रिक्स ठीक है 4x4 की है और इसकी रैंक 3 है हम कह रहे हैं, तो इसका ठीक है ये हमने कर दिया, तो इसका एक माइनर 3x3 का नॉन जीरो होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, समझेंगे। माइनर क्या है, डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे, माइनर है 3x3 का, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। तो इसको हमने अच्छे से समझा, ठीक है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अगर रैंक 3 है तो 3x3 का ही माइनर आपका नॉन जीरो एटलीस्ट एक होना चाहिए। रैंक 2 है, ठीक है, मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी है उससे मतलब नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स 2x2 की ही थी, ओके 2x2 की ही थी, लेकिन हमारी रैंक भी 2 थी तो हमारा जो माइनर था वो यही था और ये नॉन जीरो था। तो पहली चीज, ऑल माइनर्स ऑफ आर प्लस 1, ठीक है, जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ऑल माइनर्स ऑफ आर प्लस 1, ठीक है, जैसे यहां पे है, ठीक है, आर प्लस 1 क्या है 3, तो इसमें अगर आप कहें 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें कोई माइनर, पहले तो 3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और वो होगा तो 0 होगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं, एक 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, हम इसको इतना रखते हैं, एक 4x4 की मैट्रिक्स है ये, 4x4 की मैट्रिक्स है, अब इसकी रैंक हमने बोल दी 2, ठीक है, मतलब कि एक सबसे छोटा ऐसा माइनर होगा 2x2 का, कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो कि हमारा नॉन जीरो है कंडीशन 1 के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनने ये भी बोला कि अगर आप आर प्लस 1 करेंगे, आर प्लस 1 कितना हुआ 3, तो अगर आप इसमें एक 3 का माइनर निकालो, ठीक है, तो ये फिर जरूर है कि ये 0 ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नेसेसरी है, तभी आपने बोला है कि 2 क्या नंबर है, कि 2 वो नंबर है कि 2x2 का मतलब 2 मतलब 2x2 का जो माइनर एटलीस्ट एक माइनर नॉन जीरो है, ठीक है, और बाकी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट एक, मतलब कि 2x2 के बड़े जितने माइनर होंगे वो बाय डिफॉल्ट वो सब जीरो होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर आपने आर बोल दिया तो आर प्लस 1 आर प्लस 2 जितने भी माइनर हैं वो आपके अपने आप ही वो आपके, ठीक है, वो आपके जीरो हो गए। ये बात, ये दो पॉइंट ये थे जो कि बहुत जरूरी थे रैंक से रिलेटेड। ठीक है, एक और रैंक की हमारी जो डेफिनेशन होती है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स। इससे समझेंगे एग्जाम्पल से कि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है,
जिसमें कि जो दो रो हैं हमारी, ठीक है, वो हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट रो हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रो हैं। सो मेन चीज ये लीनियर इंडिपेंडेंट रो हैं, ठीक है, इसका क्या है रेशियो और वो वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम दोनों जैसे ये है 1, 2, 3 और 9, 8, 7, ठीक है, और ये 2, 4, 6, ये जो दोनों रो हैं ये आपकी लीनियर इंडिपेंडेंट रो हैं टोटली, ठीक है, टोटली इंडिपेंडेंट रो हैं। ये कितनी है 2, तो इसका मतलब कि इसका जो रैंक होगी वो हमारी होगी 2। तो हमारी किसी भी मैट्रिक्स में रैंक, इसको मैंने अलग से दिखाया, मतलब ये डिपेंडेंट है, ये रो इन दो में से किसी पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कौन सी, ये दो हैं तो तीसरे तो डिपेंडेंट हुई, सीधी सी बात है। इस मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, तो इस मैट्रिक्स का जो रो रैंक होगी वो हमारी 2 होगी, क्यों, क्योंकि 2 ही नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट रो है। ऐसी कॉलम्स पे भी सेम चीज अप्लाई होती है, अगर आपके दो कॉलम्स डिपेंडेंट हैं और एक आपका जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो आपका रैंक कितनी होगी, रैंक होगी 1, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट को देख रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट को। तो सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या है, छोटा सा जो मेन मेन पॉइंट निकल के आते हैं, रैंक को हम लोग रियली निकालेंगे, सॉल्व करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की रैंक तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये मैट्रिक्स है, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है तभी दोनों को ऐसे ऐसे लिखा है। इसका निकालेंगे आप 3 के अराउंड ओपन करिए, ठीक है, आराम से। तो आपका 2 - 8 - 2 - 6 - 12 + 2 - 12 - 6, ये आपको कितना हो गया -6 - -18 माइनस, ये हो गया आपका +12 और ये हो गया आपका +12, ये आपका कितना आ गया 6। अब ये सीधी सी बात है, नॉट इक्वल टू 0 है, हमें बस इतना ही चाहिए था, तो हमारा जो रैंक हो गई वो हो गई 3, ठीक है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी रैंक हो गई 3, मतलब 3 क्रॉस 3 ही वैनिश नहीं हो रही है, मतलब क्या है, अगर ये वैनिश होती तो हम 2 को चेक करते, तो सबसे बड़ा जो नंबर है जो वैनिश नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा माइनर इस मैट्रिक्स का जो है जो कि नॉन जीरो है, वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ही है, ठीक है, मतलब 3 क्रॉस 3 ही हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो हमारी रैंक हो गई 3। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको अभी देख लेते हैं, हम इसको करते हैं, ठीक है, हम इसको करते हैं। तो ठीक है, ये -16 - -32, ये -10 तो ये +10, और ये आपका -14 तो -42, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 0। अब ये 0 आया, तो इसका मतलब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है ना, वो ये है कि इसका जो मतलब एकदम हिंदी साफ भाषा में कि इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये आपका जो माइनर है जो 3 क्रॉस 3 का जो सबसे बड़ा माइनर ये, तो वो तो वैनिश हो गया, वैनिश हो गया मतलब 0 हो गया, ये समझेंगे टर्म को, ठीक है, वैनिश हो गया मतलब 0 हो गया, वो 0 हो गया, तो अब हमें नहीं पता 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है लेकिन 3 नहीं होगी, ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम 2 को चेक करेंगे, हम बस चेक करते हैं, ठीक है, हम 2 को चेक करते हैं, किसी को भी चेक कर लेते हैं, तो 30 - 14 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी रैंक हो गई 2, ठीक है, बस सिंपल यहां से हमारा हो गया, ये नॉन जीरो आ गया, हमको बस नॉन जीरो चाहिए, वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाए बहुत अच्छी बात है, हम रैंक उतनी कर देंगे जितनी बड़ी मैट्रिक्स है, उससे एक छोटा आ जाए नॉन जीरो तो रैंक उतनी, और वो भी अगर नहीं आता तो फिर उसके नीचे रैंक उतनी, ठीक है, अगर ये 0 आ जाता, सपोज इफ कम्स 0, तो हमारी रैंक क्या हो जाती, सिर्फ 1 हो जाती, ठीक है, तो ये समझना था। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रैंक 1 भी हो सकती है क्या, ठीक है, इसको ओपन करते हैं सिंपल, तो 12 - 12 - 3 - 4 - 4 + 2 - 6 - 6,
ओके तो ये आ गया जीरो। तो इसका क्या मतलब है कि रैंक नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री नहीं होगी। ठीक है, ये यहां से क्लियर हुआ। हम किसी को चेक करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो 12 माइनस 12, तो ये आ गया जीरो, मतलब हमारी रैंक टू नहीं होगी। तो हमारी रैंक कितनी हुई, हमारी रैंक हुई वन। ठीक है, ये जीरो आ गया, किसी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वन होना चाहिए नॉन जीरो, तो हमको सारे माइनस चेक करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं तो 6 माइनस 6 जीरो, हम इसको चेक करते हैं 6 माइनस 6 जीरो, हम इसको चेक करते हैं 4 इंटू 3 12 माइनस 12 जीरो। तो हमारा मतलब इसके सेकेंड ऑर्डर के 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर हमारे जीरो होंगे। इसका मतलब कि रैंक हमारी 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, तो हमारी रैंक होगी 1। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे हमने जो देखा था इंडिपेंडेंट वाला कि कितनी रो, तो हम अगर देखें सही तरीके से तो ये आपका, ठीक है, ये तो सेम होगा, ये डिपेंडेंट होगा इस पे, और ये जो है ये भी डिपेंडेंट है इन पे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 3 इंटू 6 2 इंटू 4। तो अगर ये तीनों ही रो हमारी डिपेंडेंट हो रही है तो हमारा रैंक हमारी 1 होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, मतलब कि हमने बात करी थी इंडिपेंडेंट की, तीनों डिपेंडेंट है, मतलब नो इज इंडिपेंडेंट, तो कोई नहीं है, तो हमारा सबसे जो छोटा होगा रैंक वो हमारी होगी 1। ठीक है, बस और मतलब ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल था ये समझने के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड रैंक 1 कैसे हो सकती। ठीक है, नल मैट्रिक्स की रैंक हमारी 0 होती है। ठीक है, छोटे छोटे कुछ पॉइंट है, उसमें ज्यादा वो नहीं करना है। अगर ए हमारी इट्सेल्फ नॉन जीरो है तो रैंक जो होगी वो हमारी 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इससे हम क्या समझेंगे, अगर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की ही है, जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, तो रैंक 1 होगी, वो तो फिक्स है। हाँ, अगर मैट्रिक्स बड़ी है 1 2 3 4 और ये नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो फिर आपकी 1 से ही बड़ी होगी तो 2 होगी। ठीक है, तो 1 या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, नॉन जीरो अगर है, ये चीज फिक्स है, अगर 2 क्रॉस 2 है, ये नॉन जीरो है, तो फिर आपकी 2 हो गई, तो उस हिसाब से चलेगा, 3 क्रॉस 3 है तो 3 हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, मतलब अगर ये है तो इसकी रैंक हो गई 2, अगर ये है तो इसकी रैंक हो गई 3। ठीक है, तो ये चीज हमको देखनी है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कहता है, द रैंक ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगनल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स 1 एंड दिस इज मैट्रिक्स 2, ये डायगनल मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी किसके इक्वल होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, कितने हमारे नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको समझ रहे हैं, इसको अच्छे से एनालिसिस करके समझेंगे कि कितने हमारे नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट हैं, उतनी ही हमारी रैंक होगी। तो कितनी है, यहां पे 2 हैं। ठीक है, 3 डायगनल एलिमेंट हो सकते थे, 1 2 3, पर हमारे 2 नॉन जीरो हैं, तो हमारी रैंक हो गई 2, यहां पे हमारी रैंक हो गई 3। 3 रैंक कैसे हो गई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ जीरो है, बट 1 के अराउंड जब ये खुलेगा तो 6 माइनस 0, तो ये आपका 6 आ गया, जो कि नॉन जीरो है, तो रैंक आपकी मैक्सिमम जितनी हो सकती है पॉसिबल 3, तो वो हो गई। ठीक है, ये हमने समझा। यहां पे अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इस 0 के अराउंड ओपन करेंगे, इस 0 के अराउंड, ठीक है, हमने बात क्या कही थी, एट लीस्ट 1 नॉन जीरो। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, एट लीस्ट 1 नॉन जीरो आपका होना चाहिए। अब आप कहेंगे आप 1 के अराउंड ओपन कर दो तो 0 आ गया, 2 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 0 0 हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे रैंक 2 भी नहीं हो सकती, लेकिन आप इस 0 के अराउंड ओपन करो तो आपका क्या माइनर आपका क्या बना 0 के अराउंड, 1 0 0 2। अब बताओ क्या आया, 2 आया आपका, तो 2 क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी रैंक जो है वो आपकी 2 हो गई।
ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि रैंक ऑफ डायगनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हमारा एक्लियन फॉर्म। ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक, पहला पॉइंट क्या कहता है, एक्लियन फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स एक्लियन फॉर्म में तब होगी जब वो दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, ए एंड बी, बी पे बाद में जाएंगे, पहले ए देखते हैं। ए क्या कहता है, जीरो रोज इफ एनी अगर, ठीक है, कोई भी अगर जीरो रोज आएंगी मस्ट बी बिलो नॉन जीरो रोज, तो उनको नॉन जीरो रोज के नीचे ही होना पड़ेगा तभी वो एक्लियन फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी रो जीरो है तो ये नॉन जीरो, ये क्या है नॉन जीरो रो, इसमें दो एलिमेंट है, ये नॉन जीरो, इनके नीचे है, ये आपकी एक्लियन फॉर्म है और ये आपकी नहीं है। क्यों, ये आपका जीरो रो आ गई और कहाँ ही, एक नॉन जीरो रो के नीचे, बट इसके नीचे भी एक नॉन जीरो रो है। ये थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है, ये नहीं होना चाहिए सबसे नीचे हो या बीच में हो, बस क्या है कि उसके नीचे कोई भी वो नहीं होनी चाहिए नॉन जीरो रो। ठीक है, जो भी नॉन जीरो रो होंगी वो उसके ऊपर ही हो। ठीक है, बस इतना सा है। अगर आप इसको भी कर देते जीरो जीरो तो ये नॉन जीरो, सॉरी ये तो ये एक्लियन फॉर्म हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर है एक नॉन जीरो रो, इसके नीचे जीरो, ये दोनों ही जीरो बन गई। तो जहां भी जीरो रो आएगी तो उसके नीचे जीरो रो ही होनी चाहिए या कुछ नहीं हो, ऊपर जो भी जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो के ऊपर हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि जितनी भी नॉन जीरो हो वो जीरो रो के ऊपर हो, ये आपकी नॉन जीरो रो है और ये भी आपकी नॉन जीरो रो है। ठीक है, सेकंड उसको समझते हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा बड़ा है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरो, जितने जीरो होंगे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस इन जीरोज की बात कर रहे हैं, जो कि जीरो मतलब रो के शुरू होते ही जो जीरो आ जाते हैं, समझे, एरो करके दिखाया, रो के शुरू होते ही जो जीरो आ जाते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। ठीक है, यहां तक हमारा स्टेटमेंट आधा है, जो कि समझना, तोड़ के समझेंगे अच्छा है, कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट, इसको भी मैंने मार्क किया है, ये आपका पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, इस रो में, इस रो में ये है, इस रो में ये है, इस तरीके से। ठीक है, ये पहले नॉन जीरो एलिमेंट है रो में, तो इनके पहले के जितने जीरोज होंगे, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट नॉन जीरो रो। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया मैंने, लिख दिया, उसको समझ लेंगे, मैं यहां से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ये जीरो है, इस रो में सबसे पहला नॉन जीरो है, तो उसके पहले एक जीरो है, यहाँ मैं लिखता हूँ, और नीचे कितने हैं, तीन जीरो है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल है कि ये जो एक है ये आपका तीन से लेस होना चाहिए, तो ये आपकी एक्लियन फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके दो जीरो हैं या एक जीरो है। ठीक है, दो आपका एक से बड़ा नहीं, सॉरी छोटा नहीं है, ये आपकी एक्लियन फॉर्म नहीं है, ये हमें समझना है। ठीक है, आपकी एक्लियन फॉर्म नहीं है। थोड़ा बड़े से समझ लेते हैं, चार क्रॉस चार की मैट्रिक्स को लेते हैं एक, थोड़ा सा रफ। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दो एक और चार। ठीक है, अब आपका ये जीरो है तो रो एक्लियन फॉर्म तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो है आपका, हमारी कंडीशन थी कि दो एक से छोटा होना चाहिए, जो कि फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी कंडीशन थी कि आप जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे, सिंपल भाषा में समझते हैं, इसको अलग करके। ठीक है, आप जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो जो जीरोज हैं, ठीक है, वो बढ़ने चाहिए ना कि घटने चाहिए। आपका पहले दो था, फिर आप नीचे आए तो एक हो गया, फिर चार हो गया, यहाँ तो ठीक है ये कंडीशन, ये जो गलत है इसका मतलब कि ये भी आपकी रो एक्लियन फॉर्म नहीं होगी। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन थी, और आपकी पहली कंडीशन थी कि जो नॉन जीरो रोज हैं वो हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो ये आपकी फाइनल जीरो जीरो जो रो है तो इसके ऊपर नॉन जीरो रो हो। ठीक है, वो पीछे आपने समझ लिया था, मैं दोबारा क्या समझाऊं, तो ये चीज थी। ठीक है, ये काफी अच्छी दो एक्लियन फॉर्म, समझ में नहीं आता क्या है। ठीक, कंफ्यूजन आता भी है तो ठीक है, कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, इसलिए समझाया, इसको आप नोट कर। अब बात करते हैं कि एक्लियन फॉर्म का फायदा, ठीक है, बेनिफिट। जिंदगी में हर किसी चीज का बेनिफिट होता है तभी हमें वो पसंद आती है। ठीक है, वरना हमें क्या करना, उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हम ये पूछेंगे ना, हमें क्या मिल रहा है उससे। तो बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट इतना बहुत सीधा सा है कि अगर आपने ये लिखा है, ठीक है, अगर ये आपकी एक्लियन फॉर्म है, फाइनल एक्लियन फॉर्म है, मतलब
इससे ज्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब हम इसको जीरो नहीं बना सकते, समझेंगे, हम इसको जीरो नहीं बना सकते। तो ये हमारी फाइनल फॉर्म है। तो आपकी जितनी फाइनल फॉर्म में जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी, नॉन जीरो रोज समझेंगे, वही आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक हमारी हो गई 3। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी, यहाँ पे रैंक हो गई हमारी 3। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0। ठीक है, अब हमको ये दिखा कि इसको हम ऐसा बना सकते हैं, इसको हम जीरो रो बना सकते हैं, ये हमने जीरो रो बना ली। ठीक है, तो नॉन जीरो रोज फिर से उसी चीज पे आया है, नॉन जीरो रोज हमारी कितनी होंगी 2, इसकी रैंक भी कितनी होगी 2। ये चीज आप तब बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे, हमें क्वेश्चन में मेहनत क्या करनी है, तो कहेंगे तो एकदम इजी है, हमें मेहनत ये करनी है कि आपको ऐसा दिया नहीं रहेगा, आपको सिंप्लीफाई करना है, हमें सिंप्लीफाई करके लाना है। ठीक है, इसका भी मैं बता देता हूं, आपको बस इतना करना है, कोशिश करनी है कि आपको सबसे नीचे वाली रो को जीरो आप बनाओ, आप यहां से शुरू करो, इसको आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ भी करो, जुगाड़ करो, इसको आप जीरो बनाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज, इसको आपने पूरे को जीरो बना लिया तो क्या है कि आपकी 2 रो नॉन जीरो हो गई। उसके बाद आप टारगेट करेंगे कि ये जीरो बनाओ, फिर ये जीरो बनाओ। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे इधर इधर, ये होता जाएगा तो फिर आप इसको भी देखेंगे, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आपकी 2 पे आपकी रैंक लॉक हो गई। ठीक है, आपकी रैंक 2 पे लॉक हो गई क्योंकि ये नॉन जीरो रह गया। ठीक है, बस सिंपल इतना करना, सबसे नीचे रो से शुरू करके ये एलिमेंट जीरो जीरो बनाते हुए, अगर ये भी जीरो हो गया तो सोने पे सुहागा, आपकी रैंक हो गई 1। ठीक है, ये फायदा था रोएक्लियन फॉर्म। ठीक है, आप क्या करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना और दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे, पहले मैं नोट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2, इससे 2-3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, बस ये आखिरी रोएक्लियन फॉर्म का लास्ट है कि इसमें इसकी ये रोएक्लियन फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो हाँ, ये रोएक्लियन फॉर्म में है और इसकी रैंक है हमारी 3। ठीक है, इससे क्या क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है कि रोएक्लियन फॉर्म में हमारा नीचे तीनों जीरो ही हो। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि जो फुल कंप्लीट जीरो रो होगी जैसे ये है, तो इसके ऊपर नॉन जीरो रो होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन थी, इसके नीचे नहीं हो। ठीक है, इसके नीचे फिर या तो कुछ नहीं हो या फिर जीरो ही हो, तो जरूरी नहीं है कि तीनों जीरो हो जैसे यहां पे, बस रोएक्लियन फॉर्म का ये मतलब है, पहला कंडीशन ये थी, दूसरा ये थी कि नीचे अगर 2 जीरो हैं तो उसके ऊपर वाली रो में लेस नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। ठीक है, इससे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रोएक्लियन फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमको समझ में आई, तीनों जीरो होना जरूरी नहीं है, तो ये हमारी रैंक हो गई 3। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो आपका ये 3 जीरो 2 जीरो, तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, और नॉन जो सबसे ज्यादा जीरो वाली रो है उसके ऊपर एक नॉन जीरो रो है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहां से आपको सीधे से समझ में आ गई कि आपकी रैंक है 2। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट केस है, इसकी बात करते हैं, ये रोएक्लियन फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक सेकेंड का पॉज लिया, फिर मैं बोलता हूँ कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये जीरो इक्वल है। ठीक है, ये हमेशा लेस होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं 3 होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 है, तो ये रोएक्लियन फॉर्म नहीं है, हम इसको बना सकते हैं। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, R3 में R3 माइनस 4 टाइम्स R2। ठीक है, मतलब इसमें माइनस ये कर देंगे और वो भी 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, तो आप इससे इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, तो आपकी जो फाइनल बनेगी तो 0, 2, 5, 0, 0, -1, 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो बस आपका काम हो गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे तो 3, 2, 1, ये आपके जीरोज हैं जो नीचे से ऊपर लेस हो रहे हैं। ठीक है, और नॉन जीरो रो मौजूद है और उसके नीचे कोई भी जीरो रो मौजूद है, उसके नीचे कोई नॉन जीरो नहीं है, तो सीधा सा इसकी रैंक कितनी हो गई 2।
ठीक है, इसकी रैंक होगी 2। तो यहाँ पे हमारा रो एक्लियन फॉर्म या रैंक ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आराम से पूरा एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने समझाया, बाकी एग्जाम्पल्स आप क्वेश्चन देख लेंगे।